गाइस, इस वीडियो में हम SMO को सीखेंगे। SMO का फुल फॉर्म होता है शुड मस्ट आउट टू। डिफिनीशन है इसकी, जब हिंदी वाक्यों के आखिर में चाहिए शब्द आए तो इनमें से किसी एक का यूज़ किया जाता है। शुड का यूज़ कब होता है? जब चाहिए शब्द से सलाह या कोई कर्तव्य का बोध हो तो शुड का यूज किया जाता है। मस्ट का यूज कब करें? जब ज़रूर चाहिए या अवश्य चाहिए या फिर ही चाहिए शब्द आए और उससे अनिवार्यता का बोध हो तो मस्ट का यूज किया जाता है। आउट टू का यूज कब करें? जब वाक्य से ऐसे कर्तव्य का बोध हो जिसका करना सामाजिक रूप से ज़रूरी हो, यानी जिसके करने या न करने से समाज हमें गलत कहे, तो वहाँ पर हम आउट टू का यूज़ करते हैं। नोट एक देख लीजिए गाइज, जब वाक्य में केवल चाहिए शब्द आए तो हम शुड या आउट टू में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब वाक्य में अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए शब्द आए तो मस्ट का ही यूज़ करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका यूट्यूब टीचर सफ़ी हुसैन। आपका आपके चैनल फ्लाई योर सेल्फ में हम वेलकम करते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर आप हिंदी मीडियम से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, तो आइए शुरू करें। अब हम अफर्मेटिव का रूल्स देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस SMO प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसका हिंदी का रूल रहेगा। कर्ता प्लस SMO प्लस मुख क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब हम एग्जांपल देखेंगे। तुम्हें रोज़ाना कसरत करनी चाहिए। इस वाक्य में चाहिए शब्द आ रहा है तो हम शुड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद में शुड, इसके बाद में मेन वर्ब लिखेंगे करना की डू, और फिर ऑब्जेक्ट लिखें कसरत एक्सरसाइज, इसके बाद में अदर वर्ड्स रोज़ाना एवरी डे। सेंटेंस बना, यू शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे। एक और सेंटेंस देखिए गाइस, हमें रोज़ाना दूध ज़रूर पीना चाहिए। अब ज़रूर चाहिए शब्द आ रहा है तो मस्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, इसके बाद में मस्ट, इसके बाद में पीना की हम लिखेंगे यहाँ पे हैव, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखें दूध की द मिल्क, इसके बाद रोज़ाना की डेली या एवरी डे। सेंटेंस बनेगा, वी मस्ट हैव द मिल्क डेली। गाइज, अब हम कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ये सेंटेंस है नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है, यानी कि अगर हम माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो सामाजिक तौर से ये गलत है, समाज हमें गलत कहेगा, तो हम यहाँ पे आउट टू का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें वी, इसके बाद में आउट टू, फिर सेवा करना के लिखें सर्व, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखें अपने माँ बाप की, अपने की अवर लगेगी और माँ बाप की पेरेंट्स। सेंटेंस बनेगा, वी आउट टू सर्व अवर पेरेंट्स। गाइज, एक और सेंटेंस देखिए, लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये भी हमारा आउट टू से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें पीपुल, इसके बाद में आउट टू, इसके बाद मेन वर्ब लिखें मदद करना की हेल्प, और फिर गरीबों की ऑब्जेक्ट द पुअर्स। सेंटेंस बनेगा, पीपुल आउट टू हेल्प द पुअर्स। एक सेंटेंस और देखिए, कलीम को एक बार और कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूर चाहिए शब्द आ रहा है तो हम यहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें कलीम, इसके बाद में मस्ट, इसके बाद में कोशिश करना के लिखेंगे ट्राई, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखें एक बार की होगी वंस, और सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से बनेगा कलीम मस्ट ट्राई वंस अगेन। अब हम नेगेटिव के रूल को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस SMO प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसके बाद में हिंदी का रूल्स रहेगा। कर्ता प्लस SMO प्लस नॉट प्लस मुख क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। सेंटेंस देखिए, तुम्हें ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। सिर्फ चाहिए शब्द आ रहा है तो हम शुड का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद में शुड, इसके बाद में नॉट, और फिर मेन वर्ब लिखें दोहराना रिपीट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट गलती। आई सी सच अ मिस्टेक। सेंटेंस बनेगा, यू शुड नॉट रिपीट सच अ मिस्टेक। एक सेंटेंस और देखिए गाइज, हमें किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। तो ये नैतिक कर्तव्य वाला वाक्य है, अगर हम गाली बकते हैं तो सामाजिक तौर से ये गलत है, तो हम आउट टू का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें वी, इसके बाद आउट, और फिर नॉट और टू, इसके बाद में मेन वर्ब लिखेंगे गाली बकना अब्यूज़, इसके बाद में ऑब्जेक्ट किसी को एनीवन। सेंटेंस बनेगा, वी आउट नॉट टू अब्यूज़ एनीवन।
अगला सेंटेंस देखें, राजू को ख़राब दवा अवश्य नहीं रखनी चाहिए। अवश्य चाहिए शब्द आ रहा है तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राजू, इसके बाद में मस्ट, और फिर हम लिखेंगे नॉट, इसके बाद में हम मेन वर्ब लिखेंगे रखना की कीप, और इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे ख़राब दवा एक्सपायर्ड मेडिसिन। सेंटेंस हमारा बनेगा, राजू मस्ट नॉट कीप एक्सपायर्ड मेडिसिंस। अब हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देखते हैं, उसके पहले इसका रूल समझ लीजिए। एस एम ओ वाक्य के बिल्कुल शुरू में आएगा, बाकी रूल्स वैसे का वैसे ही रहेगा। तो चलिए हम सीधा इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या तुम्हें समय पर दवा खानी चाहिए? तो यहाँ पे हम शुड का यूज़ करेंगे सबसे पहले, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट तुम्हें की यू, और फिर मेन वर्ब लिखें खाना की टेक या ईट लगा सकते हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्ट दवा द मेडिसिंस, इसके बाद अदर वर्ड्स में लिखेंगे समय पर ऑन टाइम। सेंटेंस बनेगा, शुड यू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। गाइज एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए? तो यहाँ पे हम बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे की हाउ, इसके बाद में आउट इसमें लगाएंगे, आउट टू का यूज़ है तो आउट, इसके बाद सब्जेक्ट लिखें वी और फिर टू लगा दें, इसके बाद मेन वर्ब लिखें मदद करना की हेल्प, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखें ज़रूरतमंद लोगों की द नीडी। सेंटेंस बनेगा, हाउ आउट वी टू हेल्प द नीडी। एक और सेंटेंस देखिए गाइज, मुझे आज कहाँ जाना ही चाहिए? ही चाहिए शब्द आ रहा है तो मस्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कहाँ की वेयर, इसके बाद में मस्ट, और फिर सब्जेक्ट लिखें आई, इसके बाद मेन वर्ब जाना की गो, और फिर अदर वर्ड्स आज की टुडे, वेयर मस्ट आई गो टुडे। तो इस तरीके से एस एम ओ का चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एस एम ओ का चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए गाइज आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। नीचे हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप उन्हें बना करके कमेंट में लिखें और देखें कि आपके कितने सेंटेंसेज आप सही बना पाए हैं। आप सभी लोग बेसिक से एडवांस लेवल की अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो लोग भी सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं उन सभी को थैंक यू, और जो पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। गाइज अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।